सीताराम सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोगों का आज सेकंड डे है, मतलब फर्स्ट डे में हम लोग रात में निकले थे। ये हमारा गाड़ी है, तो बस है, तो इसमें से हम निकले हैं तो एकरा से। तो हम वेस्ट बंगाल से जर्नी कर रहे हैं उड़ीसा की तरफ। अभी साउथ इंडियन की तरफ तक जाएंगे, दक्षिण की तरफ। तो 38 डेज़ का टूर है। तो आप लोग साथ में रहिए, हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ दिखाने के लिए जितना हो सके, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा नया है, तो थोड़ा इधर उधर हो सकती है, तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, मुझे करना ही है, जो मुझे सुधारना है वीडियो को सही से लाने के लिए। तो थोड़ा साथ दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधार कर आप लोगों के साथ शेयर करो। और अभी मैं लेकर चल रहा हूँ एक टेंपल की तरफ। यहाँ पर एक लक्ष्मी जी का मंदिर है। अभी लक्ष्मी माता की कल पूजा हुई थी, परसों पूजा हुई थी, और आज इसका मंदिर के बाहर हैं हम। अभी उड़ीसा के अंदर हैं हम, और हम वहाँ पर एक मठ है। तो यहाँ पर जो भगवान है ना, इधर उधर बिखर के रखा हुआ है उसका फोटो, इसका भगवान का मूर्ति। तो ये अभी बंद है, और बाकी रहा, इसमें अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, पता नहीं था। और देख लीजिए इसका नाम, टेंपल का नाम दिखाता हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं ये टेंपल का नेम है, और यहाँ पर भी और एक लक्ष्मी जी का पूजा हुआ था, और यहाँ पर मूर्ति दिखाएंगे आपको। तो वीडियो में बहुत सारी गलती तो हो रहा है। मैंने गिम्बल लाना भूल गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो को और थोड़ा बेटर बनाने के लिए। अभी थोड़ा वीडियो इधर उधर होगा, क्योंकि मुझे रनिंग ही सब कुछ करना होगा, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, और लाइन में ज़रूर रहिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, हर एक स्टेट का, हर एक शहर का। भगवान के दर्शन ज़रूर करवाऊँगा, मैं भी करवाऊँगा, जो आप लोगों से भी करवाऊँगा। और जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ये सारे कुछ खाना मिल रहा है, आप खा सकते हैं। तो हमारे जो वर्षा जी है वो अभी आलू के बर्रा और सब्जी लेंगे, तो वो खाएंगे। हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा टिफिन करके आए थे। उन्होंने हमें ही पहले खिला दिया। अच्छा लगा,
बैठ चुके हैं गाड़ी में और वो निकल पड़े हैं अपने सिर की तरफ। और कमर मंदिर की तरफ निकले हुए शहर दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पास में पहाड़ भी है, थोड़ा देखिए पहाड़ भी है, अच्छा लग रहा है। और उधर तो बहुत ही बढ़िया है, मौसम तो बहुत सही है। और हम अभी दिखा रहे हैं हम गिम्बल नहीं लाने के लिए ना, हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है मोबाइल पकड़ने के लिए। ये बस के अंदर हैं और हम सब लास्ट में बैठे हैं, हम लोगों पर लास्ट 6 सीट हम लोगों पर। मौसम बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर एक कारखाना भी है, देखिए चाँद सूरज देखिए कितना अच्छा है ना, एकदम सही है। काश फूल है, दुर्गा पूजा के लिए होती है, जब भी दुर्गा माँ की आगमन होती है तो ये फूल आती है। आप लोग ये ब्रिज कैसा लगा, अभी थोड़ा हम नए नए हैं ना तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं, तो सॉरी। हम बंगाली हैं, बंगाली बता सकते थे, कंफर्टेबल होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी बताने के लिए। इसका मेन रीज़न जो है हिंदी थोड़ा थोड़ा भी बता सकेंगे ना तो सबके लिए होगा। हम अभी पास से उतर चुके हैं, लिंगराज मंदिर की तरफ जाएंगे। देखिए सब लोग उतर चुके हैं, सामने मेरे पापा जा रहा है और बहुत लोग कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जा रहे हैं। देखिए लिंगराज मंदिर का दर्शन हो चुका है, अब हम तो लिंगराज मंदिर की तरफ जाएंगे, पास में जाएंगे, अंदर से दर्शन करेंगे। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी हम बाहर से जितना होगा कोशिश करेंगे बाहर की नज़ारा दिखाने के लिए। चलिए हम अब वो दिखाते हैं कैसा लगता है। यहाँ पर आने से बहुत सारे शिव जी का मूर्ति मिल जाएगा देखने के लिए, बहुत ही अच्छा भी लगता है। यहाँ पर तो शाम के टाइम जाकर आएंगे ना, एक अलग सा नज़रिया होता है, बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़रिया होता है। और चलिए हम लोग सामने की तरफ जाते हैं, ये पेड़ देखिए कितना कलरफुल है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो इसलिए हम आप लोग दिखा रहे हैं कैसा लग रहा है बताइएगा। सबसे हमारा तो प्रॉब्लम यही हो रहा है, हमको जो कैमरा करने के लिए दिक्कत हो रही है स्टैंड नहीं होने की वजह से। तो
ये हम तुम्हें सामने से थोड़ा दिखा देते हैं। और यहाँ से हम दर्शन करके आने के बाद हम लोगों को और कहीं लेकर जाएंगे, तो हमें भी पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा, तो चलिए देखते हैं कहाँ लेकर जाते हैं। हम लोग अभी चप्पल रखने जाएंगे, चप्पल उतरने के बाद रखने के बाद हम लोग लाइन से अंदर जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। यहाँ पर भी एक शिव जी का मूर्ति है, यहाँ पर बहुत सारे भगवान की मूर्ति है, जैसे ऐसे लगता है। तो टेम्पल जो उड़ीसा में है, तो आपको दिखाऊंगा, मेरे जो फैमिली है वो सब आ रहे हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। देखिए हम अभी आ चुके हैं लिंगज मंदिर से निकल के भुवनेश्वर और पुरी के बीचों बीच एक मंदिर है कनारक, जिसको सूर्य मंदिर भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो चक्र होती है ना, उसको पुराना जो लोग होते हैं ना, वो उसको देखकर टाइम बता लेता है कि टाइम कितना बजा हुआ है। तो इसका इतना टैलेंट है इस चक्कर के अंदर भी और पुराना लोगों के अंदर भी। दूसरी बात, ये जो चूड़ा में जो टूटा हुआ दिख रहा है ना, तो इसका भी हम जो बचपन से सुन के आ रहे हैं, जब इंग्लिश यहाँ पर इसका जुलूम कर रहा था, तो उस टाइम से ही यहाँ पर एक मैग्नेट होते था, जिससे ये लोग क्या करते थे, इसको उस मैग्नेट को तोड़कर लेकर चले जाते। यहाँ पर मूर्ति है सजा के रखा हुआ है, खुदाई करके रखा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर गेट के लिए पास लेना होगा, मतलब अंदर जाने के लिए। और लाइट के यहाँ पर लाइट पर एक शो होती है, शाम का टाइम एक लाइट का शो होती है, तो उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और अंदर जाने के लिए 40 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो कैसा, इसके अंदर बहुत सारे साउंड आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और देखिए लाइट जला हुआ है, हम लोग बाहर से बाहर तरफ खड़े हुए हैं। हम लोग बहुत पहले जा चुके थे और अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 38 डेज का सफ़र करना है, उसके अंदर बहुत कुछ काम बाकी है। और ये तो हम दर्शन कर लिए थे, फिर भी करवा रहे हैं। और ये तिरंगा बहुत अच्छी लहर रहा था, इसलिए हमने भी सोचा जय हिंद आप लोगों के भी बोल दें, जय हिंद भारत।